हम शास्त्रों में हमेशा सुनते आए हैं कि जगदम्बा सरस्वती कोई कामधेनु है और उसी के निमित्त हम हमेशा मंदिरों में जा कर के अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, अर्चन करते हैं। कभी हम दुर्गेश्वरी माता के सामने खड़े होकर के अपनी कोई ना कोई कामना करते हैं, परंतु आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि वो जगदम्बा सरस्वती कौन थी, कौन थी वो शेरा वाली माँ, कैसे वो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है और वो इतना दुर्गा स्वरूप को कैसे प्राप्त हो गई। तो आइए आज हमें आपको उनके बारे में बताते हैं। आप सभी देख रहे हो कि मम्मा जगदम्बा जो जिनको टाइटल मिला जगदम्बा सरस्वती का, वो उनका हमारे सामने एक पुण्य स्मृति के रूप में हम आज मना रहे हैं। तो मम्मा जो हैं वो पूरे जगत की माँ हैं। वो माँ कैसे बनी, ये एक छोटी सी कन्या थी जो संस्था के अंदर आए और छोटी सी उम्र में ही इन्होंने पूरे यज्ञ भार को संभाला। ब्रह्मा बाबा के पास में आकर के, शिव बाबा के पास में आकर के अपने आप को हमेशा ध्यान मगन रखा। पहले मम्मा अपने लौकिक जीवन के अंदर बहुत मॉडर्न विचारों के थे, आधुनिक विचारों के थे, परंतु धीरे धीरे मम्मा के अंदर परिवर्तन आया। जैसे ही संस्था के अंदर आए, परमात्मा से योगनिष्ठ हुए, तुरंत मम्मा के जीवन में एकदम से परिवर्तन आया, जिससे मम्मा ने सादा जीवन, उच्च विचार अपने जीवन में, इस कहावत को अपने जीवन के अंदर उतार लिया। बाबा जैसा बोलते थे वैसा मम्मा अपने जीवन में अपनाते थे। जो भी मम्मा के सामने आता था, हर एक के जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन होता था। मम्मा के मुख पर हमेशा एक दिव्यता की आभा मंडल रहता था। हमेशा मम्मा हर्षित मुख थी, संतुष्टता की मूर्ति थी। मम्मा के अंदर एक खास क्वालिटी थी कि बाबा जो कहते थे मम्मा उसे तुरंत धारण करते थे। ब्रह्मा बाबा से पहले, शिव बाबा से पहले, बाबा की मुरली को पहले पढ़ करके मम्मा उसको एक्सप्लेन करते थे कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं, और उसको सिंपल वे में हम बच्चों के सामने रखते थे कि उसे हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। शास्त्रों में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, गीता पढ़ी है, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हमने बहुत पढ़ा, परंतु वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे उनके अर्थों के अंदर जानने में कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक होता है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। लेकिन मम्मा ने उन शास्त्रों का सार और बाबा की मुरली को सिंपल शब्दों में हम सभी को सामने रखा, ताकि हम उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपना सके, सहज रीति से धारण कर सके। और उसको जीवन में धारण करने के लिए मम्मा ने हमारे को योगनिष्ठ होने का तरीका भी बताया कि दुनिया के अंदर रहते हुए हमें संबंध कैसे निभाने हैं। संबंधों को हमें छोड़ना नहीं है। आज भी मम्मा बता रहे थे कि संबंध तो सत्युग में भी होंगे, पहले की दुनिया में भी थे, आज भी हैं, परंतु उनको निभाना कैसे हैं। आज के जो संबंध हैं वो दुख देने वाले हैं, वो हमें दुख दे रहे हैं। एक दो को हम स्वार्थवश याद करते हैं, एक दो के लिए हमारे कहीं ना कहीं पे हमारा खुद का मोटिव रहता है, खुद का स्वार्थ रहता है कि वो हमारा करे तो हम उनका करें। परंतु मम्मा ने हरेक यज्ञ वत्स को निष्काम भाव से संभाला, कभी भी फल की इच्छा नहीं की, बल्कि मम्मा के सामने जो भी आता था उनके सारे मन की हलचल समाप्त हो जाती थी। मम्मा योगनिष्ठ होने के साथ साथ में वीणा वादनी भी थी, सितार बजाते थे मम्मा, परंतु सितार बजाते हुए चलते फिरते मम्मा के जीवन के अंदर हमेशा परमात्मा के साथ में उनका कनेक्शन हमेशा रहा। मम्मा योग की प्रतिमूर्ति थी, ममता और वात्सल्य स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, गुप्त पुरुषार्थी थी मम्मा। मम्मा जगदम्बा के समान मम्मा के सामने जो भी यज्ञ वत्स आता या फिर कोई भी आता था, मम्मा हरेक को अपना बच्चा समझती थी और हरेक की कमी कमजोरियों को इतनी सहज रीति से ख़त्म कर देती थी कि उसे मालूम भी नहीं पड़ता था कि मेरे अंदर ये कभी कमजोरी थी भी कभी। मम्मा सब पे बहुत प्यार लुटाती थी,
तो आइए आज के दिन 24 जून को मम्मा ने अपना देह त्याग किया और आज के दिन उनकी पुण्य स्मृति में ही आज हम ये दिन कर रहे हैं, उनको फिर से याद कर रहे हैं। और आइए हम उनकी क्वालिटी को, जो भी उनकी विशेषताएं हैं, उन्हें आज अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को फिर से सुखमय बनाएं, जिसके अंदर आज विकारों का परछाया पड़ चुका है, रावण जैसी बुराइयां आ चुकी हैं, अनेका अनेक काम क्रोध मोह लोभ हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन की जड़ों को हिला रहे हैं। उन्हें अपने जीवन के अंदर मम्मा की क्वालिटी को अपना करके, मम्मा से दृष्टि लेकर के, मेडिटेशन करके अपने जीवन को फिर से खुशमय बनाए, खुशहाल बनाए, अपने संबंधों को हेल्दी बनाए। ओम शांति।